नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। जाफरनगर क्षेत्र में खराब पड़े इंडिया मार्ग का हैंडपंप और वाटर कूलर की मरम्मत की मांग को लेकर आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को मिलकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग पानी के लिए काफी परेशान है। नगर क्षेत्र में कई हैंडपंप और वाटर कूलर कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं। सूचना देने और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को सूचित करने आए हैं। साथ ही हमने डीएम साहब से यह भी कहा कि अगर श्रीमान कहें तो हम लोग खराब पड़े हैंडपंपों की सूची भी उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शीघ्र ही सभी हैंडपंप आदि दुरुस्त कर दिए जाएं ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो। ज्ञापन देने में रवि प्रकाश, सुशील वर्मा, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव शामिल रहे। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। नगर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न मोहल्लों गलियों में वाटर कूलर और इंडिया मार्ग का हैंडपंप लगे हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं। जलकल विभाग और नगर पालिका को सूचना एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आज डीएम साहब को भी एक पत्रक दिया, उसमें मांग की गई हम लोगों ने कि लोगों को समस्या हो रही है, आने जाने वालों को, अगल बगल के लोगों को, तो वाटर कूलर और हैंड पाइप शीघ्र बनवा दिए जाएँ। और नगर क्षेत्र में जितने भी हैंड पाइप और वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जहाँ जहाँ भी अगर उसकी सूची भी चाहें तो हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी जाएंगी। आज यही काम